हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट गाई चैनल और आज मैं आप सबके लिए सर्वे टू का वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है और एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिविल इंजीनियर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो आप। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि किसी भी कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट का आप कैसे लेटिट्यूड और डिपार्चर निकाल सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग ईटर जो ट्रांवर्स दिया हुआ है उसमें क्लोजिंग इधर कितना आ रहा है वो बताने के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको गिवन दिया हुआ होता है, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे लाइन दिया हुआ है, लाइन आपको दे देगा ऐसा ही एग्जाम्पल में। उसके बाद लेंथ ऐसा आपको दे देगा। उसके बाद आपको डब्ल्यू सी बी होल सर्कल बेयरिंग यहाँ पर दिया होगा और होल सर्कल बेयरिंग से आपको, अगर होल सर्कल बीरिंग अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना है क्यू बी या आर बी एक ही हुआ बात, आपको क्यू बी में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको क्यू बी में चेंज करना नहीं आ रहा है तो थोड़ा मैं यहाँ डिटेल पर बता दूंगा, और अगर आप एडवांस लेवल से अच्छे से सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वो वीडियो अलग से बनाया हूँ मैंने, उसमें मैंने आपको सिखाया हूँ कि कैसे आप क्यू बी से आप डब्ल्यू सी बी में और डब्ल्यू सी बी से आप रिड्यूस ब्रीदिंग या क्वाड्रेंटल ब्रीदिंग में चेंज कर सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान देना है, क्यू बी या आर बी में चेंज करके ही आप बना पाएंगे। अगर आप डब्ल्यू सी बी दिया हुआ है तो आपको क्यू बी या आर बी में चेंज करना ही पड़ेगा। तो इतना गिवन हो गया, और मैं सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर एक और बॉक्स एड कर दिया हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री जो है आपको होल सर्कल बेयरिंग है। तो अगर 45 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन नॉर्थ से क्या लिखना है, ईस्ट लिखना है, और जो एंगल होगा वही सेम हो जाएगा, लिख देना है 45 डिग्री से 10 मिनट नॉर्थ ईस्ट हो गया, लिख सकते हैं। वैसे ही 72 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री से बीच में ही पड़ा तो आपको क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये क्या हो गया, आपको 90 डिग्री से अबव हो गया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस ये कर देना पड़ेगा जितना एंगल आया हुआ है। तो 180 डिग्री माइनस 161 डिग्री 52 मिनट करना पड़ेगा, तो आपको कितना आ जाएगा बोलिए, यस 18 डिग्री 0 मिनट ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर देख सकते हैं ये तो हो गया 180 डिग्री से भी बेसी, तो क्या करना है, इतना डिग्री माइनस 180 कर देना। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो उस वैल्यू में से ही 180 डिग्री घटा देना है तो आपको एग्जैक्ट आ जाएगा। तो और भी मैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देखिएगा, चैनल में जाकर चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और भी कौन सा विषय का आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए, उसी आधार पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और फ्री एजुकेशन देना ही हमारे चैनल का मेन एम है। सो हमारे वीडियो का जरूर शेयर करिए, अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा और कोई सुझाव हो तो वो भी बता दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, लेटिट्यूड निकालना है। तो लेटिट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप सबको मालूम ही होगा, नहीं नॉट वरी मैं बताऊंगा आप सबको। पहले करते हैं कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर लेटिट्यूड। लैटिट्यूड के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो ए बी का पहले क्या करेंगे, लैटिट्यूड निकालेंगे, एल कॉस थीटा करेंगे। तो एल बी की जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं एल अर्थात लेंथ, इसका लेंथ लेना है, और थीटा के अर्थात पर एंगल है जो जब भी क्या लेना है, डब्ल्यू सी बी वाला नहीं लेना है, आपको क्यू बी वाला ही लेना है। थीटा का अर्थ हो गया आपको रिड्यूस ब्रीदिंग वाला रीडिंग यहाँ पर रखेंगे। तो एल तो यही हो गया, ये रखेंगे, बोलिए कितना है 0.31 इंटू कॉस, लेटिट्यूड का फॉर्मूला होता है क्या, एल कॉस थीटा, तो कॉस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 45 डिग्री 10 मिनट, तो इसको ऐसे लिखेंगे और गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद कितना आएगा बोलिए, इतना आएगा। ऐसे ही सारे पॉइंट का निकालेंगे, बीसी का भी निकालेंगे, तो बीसी बराबर क्या होगा, एल, ए वाला एल होगा। यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है तो एल वन एल टू एल टू एल थ्री एल फोर ऐसे भी नोटिफिकेशन कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ ऐसा ही एल कर रहा हूँ। तो ये एंगल है, ये जो लेंथ है ये लिखना है 26 इंटू क्या होगा कॉस, और
देख सकते हैं बीसी का यहाँ पर है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री 05 मिनट अब कितना आएगा बोलिए गुना करके। उसके बाद क्या करना है सी डी का निकालना है, तो ऐसे ही सारे पॉइंट का निकाल लीजिएगा, तो उसके बाद इसको जोड़िएगा, तो धार निकाल दे रहा हूँ उसके बाद आप जोड़ दीजिएगा। मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दे रहा हूँ, आप करिएगा देखिएगा कितना आ रहा है। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको जोड़ के निकालना है टोटल, टोटल कितना आया। ये जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हो गया, ये तीनों को जोड़ना है। जोड़ने से पहले आपको एक बात और ध्यान देना है, वो मैं आप सबको सिखा दूं पहले, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत ही बड़ी बात है, इसमें आपको ध्यान देना है, अगर ये आप नहीं ध्यान देते हैं तो आपको मिस्टेक हो जाएगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये टेबल है, फॉर्मेट है, आपको ये रट लेना है, याद कर लेना है। तो ये आपको तो मालूम होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको ये क्या करना है, याद करना है आपको प्लस प्लस आएगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाले रीडिंग क्या हो जाएगा जब भी लेटिट्यूड होगा, और सेकंड जो रीडिंग आएगा वो क्या होगा डिपार्चर होगा, तो प्लस प्लस उसके बाद माइनस प्लस, ये लेटिट्यूड क्या होगा माइनस होगा और डिपार्चर क्या होगा प्लस होगा, उसके बाद माइनस माइनस उसके बाद प्लस माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो आप सीखिए, यहाँ पर आप चलते हैं साइन कन्वेंशन में। जो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं लेटिट्यूड निकाला ए बी, तो ए बी बराबर कितना डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं, ए बी बराबर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट आप क्या किस का काम कर रहे हैं, हम लेटिट्यूड का काम कर रहे हैं, तो लेटिट्यूड क्या होगा ईस्ट वेस्ट में पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव तो नहीं लिखने से भी क्या बुझ देंगे हम, पॉजिटिव ही है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बीसी का नॉर्थ ईस्ट है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। उसके बाद सीडी, सीडी में क्या है साउथ ईस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में क्या है लेटिट्यूड निगेटिव है, तो यहाँ कर रहे हैं हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, देख सकते हैं माइनस लगाना है, ऐसे ही साइन कन्वेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में चलते हैं, साउथ वेस्ट में क्या है लेटिट्यूड क्या है माइनस, तो हम क्या करेंगे माइनस बना देंगे। उसके बाद ईस्ट क्या है ईए में देख सकते हैं नॉर्थ डब्ल्यू एन डब्ल्यू है, तो एन डब्ल्यू में देख सकते हैं क्या है लेटिट्यूड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो प्लस नहीं लिखेंगे तो भी बात फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आप क्या करेंगे प्लस है जिसको प्लस, माइनस है उसको माइनस करेंगे, तो आपको कितना आ जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर करिए टोटल घटाओ जोड़ करके कितना आएगा बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए क्या आ जाएगा 0.52 क्या हो गया पॉजिटिव में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कैलकुलेशन फॉर डिपार्चर करेंगे, तो ए बी का क्या होगा यल साइन थीटा, डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है आपको ध्यान में रखना है यल साइन थीटा, ये याद रखना है। यल तो हो गया सेम ही, यहाँ पर देख सकते हैं 89.31, तो 89.31 इंटू साइन थीटा के जगह पर क्या होगा आप बोलिए 89.31 इंटू साइन थीटा के जगह पर क्या होगा बोल सकते हैं क्यू बी, जो मैंने पहले ही बताया था वही आपको लिखना है 45 डिग्री 10 मिनट। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको, जब भी यहाँ पर होना चाहिए क्या होना चाहिए रिड्यूस बीरिंग क्वाड्रेंट और बीरिंग वाला यहाँ पर एंगल लेना है, होल सर्कल बीरिंग वाला ले लेंगे तो टोटली आपको क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो कितना आएगा बोलिए 63.33 आएगा। ऐसे ही आपको बीसी बराबर क्या होगा यल साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 219.7 इंटू साइन उसके बाद एंगल लिखा, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 209.10। तो ऐसे ही आपको निकालना है सी डी का भी निकालना है, उसके बाद डी ई का भी निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है ई ए का भी निकालना है। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 47.05 देख सकते हैं इतना आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है साइन कन्वेंशन में ध्यान देना है, तो साइन कन्वेंशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको एक टेबल फॉर्मेट बताया था, तो अभी हम क्या कर रहे हैं डिपार्चर का काम कर रहे हैं, डिपार्चर का साइन कन्वेंशन ही सिर्फ देखेंगे।
जैसे में यन ई, यन ई फर्स्ट वाले क्या था, यन ई था, तो यन ई में देखिए डिपार्चर क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव ही रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यस ई, तो यस ई में भी क्या है, डिपार्चर पॉजिटिव है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यस डब्ल्यू में क्या है, आपका डिपार्चर निगेटिव है। तो यस डब्ल्यू वाला देखिए, यस डब्ल्यू, यस डब्ल्यू क्या है, डी में, तो डी ई में हमें क्या करना है, यहाँ पर निगेटिव बना देना है। देख सकते हैं यहाँ पर निगेटिव बना देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्चर यन डब्ल्यू, यन डब्ल्यू में भी डिपार्चर क्या है, निगेटिव है, यन डब्ल्यू में भी यहाँ पर निगेटिव दे देंगे। उसके बाद ये सबको टोटल को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में ही 0.21 आ जाएगा। इतना आ गया, इतने आप कर लेते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है आपको निकालने के लिए। तो क्या करना है, लेफ्ट थीटा विद क्वाड्रेंटल बीइंग लिख देना है। बराबर कितना हो गया, क्लोजिंग एरर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए, सिग्मा लैटिट्यूड का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी का होल स्क्वायर। ये क्लोजिंग एरर आपको निकालना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो लैटिट्यूड का कितना आया था, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ देर पहले ही आपको बताया था मैंने, लैटिट्यूड का क्या होगा बोलिए ना, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये लैटिट्यूड का जो है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे लैटिट्यूड का कितना आया था, 0.52, और इसका 0.21, दोनों पॉजिटिव में है। तो 0.52 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 0.56 मीटर। ये कह रहा है इतना एरर आ गया, क्लोजिंग एरर, ये हो गया आपका आंसर। और एक और निकालना है ठीठा का, डिग्री से कितना डिग्री से एरर आया, वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स सिग्मा डी बाई सिग्मा यल, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीठा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स सिग्मा डी बाई सिग्मा यल, तो सिग्मा डी अर्थात टेन इनवर्स सिग्मा डी अर्थात सिग्मा डिपार्चर कितना आया, 0.21, उसके बाद 0.52, तो कितना एंगल से हीरा आ रहा है वो आपको निकल गया, 22 डिग्री से हीरा आ रहा है। ये तो आप निकाल लिए, देख सकते हैं कितना इजी है, निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, करेक्शन भी करना है। तो दो तरीका से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, बॉडीज रूल या ट्रांजिट रूल से। तो मैं बॉडीज रूल से पहले आपको करके दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद दूसरे मेथड में दिखाऊंगा मैं। बैलेंसिंग द क्रॉस ट्रांसवर्स बाय बॉडीज रूल, बॉडीज रूल से हम ट्रांसवर्स को बैलेंस करने जा रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को करेक्शन कर ले रहे हैं। पेरिमीटर निकालना पड़ेगा पहले सबको, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, अर्थात पूरे जो लेंथ दिया हुआ है वो उसको पूरे को ऐड करेंगे हम। यहाँ पर जो लेंथ दिया हुआ है इसको सारे को ऐड करेंगे, तो फिर करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 51.6 कितना आ जाएगा। उसके बाद करेक्शन ऑफ AB, करेक्शन ऑफ AB बराबर कितना आएगा, सिग्मा लैटिट्यूड इंटू यल बाय सिग्मा यल, सिग्मा यल बड़का यल क्या हो गया, कैपिटल यल हो गया लैटिट्यूड, और स्मॉल यल क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये बात आपको ध्यान में देना है। तो AB क्या कर रहे हैं, तो सिग्मा यल कितना है, सिग्मा यल तो आपको मालूम है, इससे पहले ही बताया था सिग्मा यल कितना है, 0.52 इंटू उसके बाद लेंथ, AB क्या कर रहा हूँ, तो AB का लेंथ यहाँ पर लिखना है। तो AB का लेंथ कितना है, 3.831, AB का लेंथ लिखना है। उसके बाद जो पेरिमीटर यहाँ पर निकाला हुआ है वो लिख देना है, पेरिमीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलिए, -0.06। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक और बात ध्यान देना है, अगर हम करेक्शन करने जा रहे हैं तो वो वक्त आपको एक ध्यान में रखना है बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर आप करेक्शन करने जा रहे हैं तो फॉर करेक्शन ओनली, करेक्शन करने जा रहा है तो अगर हमारा एरर पॉजिटिव में आया है तो करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर करेक्शन ही निगेटिव में आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट लेंगे तो ना बैलेंस होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। सपोज डेट एक से एरर आ रहा है, एक माइनस से एरर आ रहा है, तो एक प्लस कर देंगे तो ना कैंसिल होगा, आप तो सिविल इंजीनियर बुझ रहे होंगे। तो ये बात तो मैंने थोड़ा ट्रिक था बता दिया, अगर आपको जितना से इधर आ रहा है निगेटिव से तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओरिजिनल स्टेट में चलाएगा, तो ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव में था तो मैंने यहाँ पर निगेटिव लिया हूँ, जिसके कारण से करेक्ट आ जाए डाटा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, करेक्शन ऑफ CD भी करना है।
तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है इसमें भी, 0.52 इंटू जो सीडी का है, यहाँ पर पहले बीसी का निकालना थे तो बीसी को निकाल लेते हैं, 219.76/851.61 तो कितना आ जाएगा, -0.09। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सीडी को भी निकालना है, उसके बाद आपको डी को भी निकालना है, उसके बाद आपको ईए को भी निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए आप निकाल कर भी चेक करिएगा, आप डायरेक्ट मत कीजिए क्योंकि एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान में देकर सीखना चाहिए। तो सीडी का कितना हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपको क्या होगा, -0.013, उसके बाद यहाँ पर होगा 0.09 और यहाँ पर होगा आपको -0.1, उसके बाद यहाँ क्या होगा -0.14। ये बात में आपको ध्यान में रखना है, ये करना है। उसके बाद क्या करना है, करेक्टेड लैटिट्यूड। अब तो इधर इतना आ गया, जैसे ए बी हो गया, तो ए बी में क्या हो गया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए बी में क्या हो गया, इतना इधर आ गया, तो ए बी पर करेक्ट लैटिट्यूड कितना आएगा वो हमें अब यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बी सी, बी सी का कितना आ गया, ये आ गया, उसके बाद सी डी का ये हो गया -0.09। तो ऐसे ही आपको हमें क्या करना है, अब ओरिजिनल स्टेट में हमें जाना है और वहां पर करेक्टेड कितना हो गया वो लिख देना है। तो करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ ए बी, तो ए बी का कितना हो जाएगा, पहले वाला कितना था, इतना था, और अभी जो निकाले निगेटिव में आया था तो इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल आपको करेक्टेड लैटिट्यूड आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको पहले वाला कितना है वो लिख जाएगा, अभी वाला जो है माइनस करके आपको लिख देना है। तो 62.61 -0.13 कट करके कितना आएगा, 67.48। तो मैं एग्जैक्ट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको मैच करिएगा। अब इसको लास्ट में क्या करेंगे, सिग्मा जल सबको जोड़ेंगे और लास्ट में 0.00 में आ गया, 0.00 जीरो पॉइंट के बाद कुछ कुछ आ रहा है तो आप मुझे ओके है, और जीरो आ गया तो और भी अच्छा। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हुआ कि नहीं हुआ, लास्ट में जोड़ के देखिएगा, जीरो आ गया तो बैलेंस्ड हो गया, क्या हो गया लैटिट्यूड का हम करेक्शन कर दिए, करेक्ट लैटिट्यूड निकाल दिए। अब क्या करेंगे, डिपार्चर में चलेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है 10 मार्क में 12 मार्क में, अब आप सबको सिखाने के चक्कर में, थोड़ा बताने के चक्कर में तो थोड़ा लगता है ज्यादा टाइम, पर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी ही बना पाएंगे। उसके बाद करेक्शन फॉर डिपार्चर, अब करेक्शन फॉर डिपार्चर के लिए करने जा रहे हैं, और करेक्शन इसमें क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, सिग्मा डी इंटू एल बाय सिग्मा एल, अर्थात ए बी का डिपार्चर कितना था, ए बी लाइन में ए बी लाइन नॉट डिपार्चर सिग्मा डिपार्चर ए बी अर्थात सिग्मा डी, होल का डिपार्चर अर्थात सिग्मा डी जो निकाले थे क्या था, 0.22 इंटू उसके बाद क्या होगा 89.31 अर्थात ए बी का लेंथ बाय क्या होगा सिग्मा एल, सिग्मा एल अर्थात पेरिमिति इससे पहले कितना निकाला था 81.61। यहाँ पर मत कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा राउंड ऑफ करके मैंने ले लिया हूँ सिग्मा डी, यहाँ पर 0.02 ही होगा या 0.21 भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था 0.21 यही है, 0.21 लिखेगा तो यहाँ पर 0.21 भी लिख सकते हैं, तो या 0.91 भी लिख सकते हैं, 0.21 या 0.22 लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करिए, राउंड ऑफ नहीं करना है तो राउंड ऑफ नहीं करिए, पर पूरे वैल्यू सेम ही लीजिएगा। अगर यहाँ पर 0.21 लिख रहे हैं तो 21 ही लीजिएगा न्यूमेरिकल भर पूरे वीडियो में, और अगर 0.22 ले रहे हैं तो 0.22 ही लीजिएगा। तो ऐसे करेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 0.023 आ जाएगा। उसके बाद बीसी पर भी करेंगे सिग्मा डी इंटू यल अर्थात बीसी का लेंथ, उसके बाद यल पेरिमिटर ऑफ द लेंथ, ऐसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.21 लीजिए व 0.22 लीजिए, पर एक ही लीजिएगा, एक न्यूमेरिकल में दो दो ले लीजिएगा दो किस्म के तो मिस्टेक हो जाएगा, करके क्या आ जाएगा 0.056। तो डिपार्चर में क्या आया था, मैंने
पॉजिटिव आया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्शन करने वक्त निगेटिव लिखेंगे, सारे में निगेटिव लगाएंगे। ऐसे ही सी डी का भी लिख देते हैं 0.039। उसके बाद डी, डी का कितना आ जाएगा 0.041। उसके बाद ये, ये का कितना आ जाएगा बोलिए 0.06, इतना आ गया। उसके बाद ये तो इधर आ गया, सब निगेटिव होगा। उसके बाद इसको करेक्टेड करके लिखना है, करेक्टेड डिपार्चर, करेक्टेड डिपार्चर आर क्या होगा ए बी। तो ए बी पर डिपार्चर हमने जो निकाला था इतना आया था, अभी जो आया है जो करेक्शन निगेटिव में करना है, तो ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 63.307, ये हो गया करेक्टेड डिपार्चर। उसके बाद बी सी, बी सी में भी इससे पहले जो डिपार्चर आया था वो क्या था, इतना था माइनस, अभी का जो एरर आया है वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, करेक्टेड आ जाएगा। तो एरर पॉजिटिव या निगेटिव किसी में भी आ सकता है। अब सी डी हो गया, उसके बाद तो मैंने डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उसके बाद डी, ये करेक्टेड डिपार्चर हो गया। अब इसको क्या करना है, लास्ट में सिग्मा डी करना है, ये सारे को जोड़ना है, इसको 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 इसको, लास्ट में अगर 0.00 आ रहा है तो एक क्या हो गया ओके, अर्थात बैलेंस्ड। तो ऐसे ही करते जाइएगा, आपको न्यूमेरिकल 100% सही होगा और आपको मार्क भी फुल मिलेगा। सो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।